आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस को किया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गए होंगे और उसी सीरीज में आप आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज मैं उसी के बारे में आपको समझाऊंगा। पहले हम ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मान लीजिए मुझे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है, तो इस पेन की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी मैं इसकी लेंथ देखूं, इसकी विड्थ देखूं, इसका वॉल्यूम देखूं, या इसका सब्सटेंस देखूं, या उस सब्सटेंस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देखूं, या उसकी स्टेट देखूं, या उसकी ऑर्डर देखूं। ये सब चीज़ें जो मैंने बोली ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। यानी असल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो देखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच कैन बी आइडेंटिफाई बाय नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज इन विच वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द प्रॉपर्टीज बाय नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। यदि हम किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो उसमें उसकी स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेट नहीं बदलना चाहिए, उसका फॉर्म नहीं चेंज होना चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, फिजिकल स्टेट, उसकी ऑर्डर और डेंसिटी एक्सेट्रा। ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। एक बार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फिर से समझना चाहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वो होती हैं जिसके अंतर्गत हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जिसमें हम जिस सब्सटेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ होना चाहिए, और स्टेट चेंज होने के पहले ही हम उसकी जिन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग फिर से इस को लेंगे, उसमें मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, स्टेट होती है, ऑर्डर होती है और डेंसिटी होती है। ये फिजिकल सो डेफिनेशन एक बार फिर देखें। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी आइडेंटिफाई बाय नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ अगेन वी आर हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह से इससे डिफर करता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक ही चीज हमको देखना है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही सीख सकते हैं। देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद नॉट चेंजिंग स्टेट। यानी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यदि जानना चाहते हैं तो हमें उसकी स्टेट में चेंज करना होगा। स्टेट चेंज होगी तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलना शुरू होंगी। स्टेट चेंज होने में क्या होगा, सब्सटेंस एक दूसरे से या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने से एक नया रिजल्ट हमें फॉर्म करके देंगे। वो उस दौरान उनकी स्टेट चेंज हो सकती है, उनका जो है स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन यहाँ से बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय नॉट चेंजिंग द स्टेट, और वी कैन से द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच कैन बी आइडेंटिफाई by changing state and form of substance or matter। इसमें हम उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, जैसे रिएक्शन विथ वाटर, सेकंड आएगा बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ अदर
केमिकल सब्सटेंस, वो सब प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो एक बार फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें आप लोग। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी आइडेंटिफाई बाय चेंजिंग स्टेट, जिसको हम स्टेट चेंज करके पता कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज का नाम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और उसमें हम किसी भी, जैसे वाटर से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, या दूसरे केमिकल से और सब्सटेंस से रिएक्शन करवा सकते हैं, और उसमें हमको जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। तो हम एटम और मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे, उनको समझेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल, कई लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं, कई बार प्रोनाउंसिएशन एटम का मॉलिक्यूल के रूप में होता है, मॉलिक्यूल का एटम के रूप में होता है। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। पहले हम ले रहे हैं एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंट इज नोन एज एटम। इसको कंसिडर किया जाता था कि ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, बाद में फैक्ट नहीं रहा और उसको स्प्लिट किया गया, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना ही पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही आपको बोलना ही पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंट इज नोन एज एटम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सोडियम को लेता हूँ, तो सोडियम एक एटम है। ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम मिलके सोडियम मेटल बनाएंगे, तो वो मेटल का एक छोटा पार्टिकल एटम है जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, वो दूसरे एटम से कंबाइन होगा। जो इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रहा है, मेरी बात पे थोड़ा आप ध्यान देंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंट इज नोन एज एटम। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एटम, आयरन मेटल, फॉरम मेटल, सिल्वर मेटल एंड एक्सेट्रा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू मॉलिक्यूल्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इन विच टू और मोर एटम्स आर प्रेजेंट विथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड की छोटी यूनिट है जिसमें एक या दो, दो या ज्यादा मैटर एटम्स रह सकते हैं, और दो या ज्यादा एटम्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जुड़े हुए नई काई बनाते हैं, नई यूनिट बनाते हैं, वही मॉलिक्यूल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए कहा, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बन गया, हमारा मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल पूरा। या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर, ऑक्सीजन एटम ने आपस में कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलकर नाइट्रोजन। इस प्रकार स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये बात भी हम ध्यान दें कि इसमें विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसमें हम कह सकते हैं विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज वेल एज टू आर मोर एटम्स आर प्रेजेंट विच आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स के रूप में हम दो ले सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एग्जाम्पल्स में लिया। हमने अभी एटम और मॉलिक्यूल्स के पिछले क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन में एक सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझना चाहेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती है फिजिक्स में भी काम की होती है और केमिस्ट्री में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो हम ये सीखना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखें आप देखते हैं डिजिट्स में 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 9 तक डिजिट्स चले जाते हैं, और हम कोई भी मेजरमेंट करना चाहें तो इन डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो कुल मिला के ये डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। सो ऑल दैट सर्टेन फिगर्स
रिक्वायर फॉर मेजरिंग पैरामीटर्स नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने जो अभी आपसे बात से कही वही यहाँ पे मैंने लिखी है कि 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक के हम मैथमेटिकल नंबर्स को देखते हैं। सो ऑल दैट सर्टन फिगर्स, ये सब सर्टन फिगर्स रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग पैरामीटर्स। तो जितने मेजरिंग काम होते हैं, जैसे कोई लेंथ को देखना है, विड्थ को देखना है, तो उसमें जो पैरामीटर्स की मेजरिंग पैरामीटर्स में जो रिक्वायर्ड डिजिट इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमने कोई मेजरमेंट लिया और वो आया 248.19, तो ये जो है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें जो पहले चार फिगर्स हैं वो तो फिगर्स माने जाएंगे, लेकिन लास्ट फिगर्स को हम डाउटफुल मानते हैं। सो 9 इज डाउटफुल फिगर क्योंकि इस चेंज किया जा सकता है। सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर देखते हैं। ऑल दैट सर्टन फिगर्स, ये सर्टन फिगर्स हैं रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग पैरामीटर्स, मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो डिजिट्स हमें या फिगर की ज़रूरत होती है उन सभी को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जो सिग्निफिकेंट फिगर को देखें, अब हम एक छोटे डेफिनेशन क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। जनरली मास और वेट, मास और वेट में जो होता है काफ़ी बहुत निकटता है, बहुत ही रिसेम्बलेंस है, इसलिए थोड़ा सा हमको देखना है कि मास को हम कहाँ इस्तेमाल करें, वेट को हम कहाँ इस्तेमाल करें। मैं आपको इसको डेफिनेशन के साथ इसके एग्जांपल को भी समझाता हूँ। सबसे पहले हम मास को ले रहे हैं। मास द मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी भी सब्सटेंस में जितना मैटर प्रेजेंट होता है वही उसका मास होता है। मैं जनरली फिर आपको कहना चाहूँगा, जैसे इस पैन में जितना प्लास्टिक लगा होगा, जितना भी प्लास्टिक यूज हुआ है वही इसका मास होगा। द मेटल मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। सो मास को रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्मॉल एम से, हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एनालिटिकल बैलेंस नाम के एपेटस से इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो हम एक बार फिर इसको रिवाइज करें, देखते हैं कितना हमें आया। द मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड इट कैन बी मेजर बाय एनालिटिकल बैलेंस विच इज अस एपरेटस। नाउ वी आर हैविंग वेट। वेट जनरली हम देखते हैं कि कोई फिजिकल फिटनेस या फिजिकल प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे कोई एग्जाम्स होंगी या मिलिट्रीज या पुलिस की, उसमें वेट लिया जाता है, मास नहीं मांगा जाता, वेट मांगा जाता है। तो वेट क्या होता है, हमें एक एपरेटस पर खड़ा करके हमारा वेट लिया जाता है, 50 kg, 60 kg, 40 kg, व्हाटएवर। तो वो जो वेट होता है वो रिलेटेड तो मास से होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है ग्रेविटेशन, उससे ग्रेविटेशन जो फोर्स लग रहा है, जो अर्थ अपने सेंटर से हम पर लगा रही है, उस फोर्स के द्वारा इस वेट बनता है। तो हम देखते हैं वेट क्या होता है। जो किसी सब्सटेंस का मास होता है उसमें हम ग्रेविटेशन फोर्स को इंटू कर दें, जिसको हम जी कहते हैं, तो उस मास और ग्रेविटेशन जी के इनटू को या प्रोडक्ट को वेट कहा जाएगा। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, सो वी कैन से डब्ल्यू इक्वल टू एम इनटू जी। तो किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्रेविटेशन फोर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसका नाम होता है वेट। तो जनरली हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि 40 kg, 50 kg हमारा वेट है, तो वेट हमारे मास में ग्रेविटेशन का इंटू करने से ही मिलता है। सो दैट्स क्लियर टू डियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये लेक्चर के सभी क्वेश्चन मैंने पूरे किए और आशा है आपको समझ में आया, होपफुल कि आपने क्लियर किया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको इसकी प्रॉब्लम्स लगती है तो इसको आप 2-3 बार वीडियो को फिर देखें, और यदि फिर प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे उसको क्वेश्चन कर सकते हैं।